नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसका निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसमें 8 कवियों को, आधुनिक कवियों को शामिल किया गया है, जो आपकी स्क्रीन पर सभी के नाम आ रहे हैं। इन सभी को हम एक एक कवि के बारे में पढ़ेंगे। इनकी निर्धारित रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें पहले कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जा गया है, उसकी कुछ चयनित पंक्तियों को, चयनित पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि के खिताब से नवाजे गए हैं और महत्वपूर्ण हिंदी के कवि हैं, उनके दो रचनाओं की पदों को शामिल किया गया है। एक तो साकेत, जो आधुनिक राम काव्य माना जाता है, और दूसरा यशोधरा, जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उसके जीवन को लेकर और वो परिनिर्वाण की स्थिति को लेकर लिखा गया प्रसिद्ध यशोधरा खंड काव्य है। उसकी कुछ पंक्तियों को, कुछ पदों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फिर एक अन्य कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनमें कामायनी और आंसू, झरना, लहर और भी हैं, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल रचनाएं हैं, पद हैं, वे कामायनी और आंसू के पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कामायनी 1936 में लिखी गई और वो छायावादी काव्य का महाकाव्य कहलाता है। तो छायावादी विचारधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद की दो रचनाओं के कुछ पदों को शामिल किया गया है। सुमित्रानंदन पंत, आप भी छायावादी कवि हैं, और पंत जी की 3 कविताओं की कुछ पंक्तियों को, पदों को शामिल किया गया है। प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण और द्रुत धरो, ये 3 कविताएँ हैं जिनको शामिल किया गया है। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी प्रयोगवादी विचारधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और अज्ञेय जी की रचनाओं में बावरा, अहेरी, भीतर जागा दाता, सांप, यह दीप अकेला, ये 4 कविताएं हैं। इन कविताओं को हमारे पाठ्यक्रम में, तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में, हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है। फिर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, पूरा नाम है, और मुक्तिबोध जी की 2-3 कविताओं को शामिल किया गया है। जन जन का चेहरा एक, और दूर तारा, तथा खोल आँखें, इन 3 कविताओं को तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिनको हमें पढ़ना है। फिर हैं अगले कवि जिनका नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। धूमिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, पूरा नाम इनका सुदामा पांडे है। इनकी 2 रचनाओं को शामिल किया गया है, कविताओं को शामिल किया गया, प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम, ये दोनों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। साठोत्री काव्यधारा के, हिंदी का साहित्य की काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं धूमिल जी। इसके बाद फिर हैं आधुनिक भारत के प्रमुख गज़लकार, जिन्होंने अपनी हिंदी गज़लों के माध्यम से भारत में ही नहीं, विदेशों तक भी धूम मचाई, और आज उनकी गज़लें लोगों की जुबान पर हैं। दुष्यंत कुमार की 8-9 गज़लों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, वो पढ़ना है। और ये सब है, इसके बाद व्याख्या और प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।